मादक पदार्थों का कारोबार किस तरह से अपनी जड़ें फैलाया हुआ है, यह हम अक्सर दिखाते और बताते रहे हैं। इसकी पुष्टि भी अब उस समय हो गई जब मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पुलिस महकमे की नींद खुली और आनन फानन में की जा रही कार्यवाही में भारी मात्रा में नशीली कफ सिरप के साथ देसी शराब पकड़ी जा रही है, जिसे देख और सुनकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि जिले में किस तरह से अवैध कारोबार फल फूल रहे हैं। जहां बीती रात सार्वजनिक स्थानों पर शराब बेचते 76 लोगों को गिरफ्तार किया गया, वहीं जाम छलकाते 44 लोगों को पकड़ा गया है। नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत पुलिस ने चौतरफा प्रहार करना शुरू कर दिया है। एक ओर जहां अवैध रूप से नशे का कारोबार करने वालों पर कार्यवाही की जा रही है, वहीं सेवन करने वालों के ऊपर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने 24 घंटे में अवैध नशे के खिलाफ कार्यवाही की है, जिसमें 7000 सीसी नशीली कफ सिरप पकड़ी गई है। इसी तरह से 44 लोगों को नशा करते पकड़ा गया है, जबकि 76 लोगों को बेचते हुए पाया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कड़े निर्देश के बाद जिला पुलिस ने यह कार्यवाही शुरू की है। जिस तरह से गली गली में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री हो रही है, उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि बिना पुलिस के संरक्षण में यह कारोबार फल फूल रहा था। अब देखने वाली बात यह है कि चंद दिनों में ही बड़ी कार्यवाही करने वाली पुलिस इस कार्यवाही को कब तक जारी रखती है। आइए सुनाते हैं की जा रही कार्यवाही के संबंध में पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा है। नशा मुक्ति अभियान में विशेष फोकस ओरेक्स पर भी था, क्योंकि युवाओं के स्वास्थ्य पर इससे काफी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इसे देखते हुए कोरेक्स के लिए जो टीमें लगाई गई थी उनको सफलता मिली और पुलिस हेल्पलाइन का भी सहयोग रहा, और कल से लेकर अभी तक 24 घंटे के अंदर लगभग 7000 बोतल कोरेक्स की पकड़ी गई है। ये कार्रवाई 6 थाना क्षेत्रों में विभिन्न केसेस में संपन्न हुई है। तो 7000 बोतल जो हमारी टीम ने पकड़ा है, हम उनको रिवार्ड भी देंगे, और जो लोग पुलिस हेल्पलाइन पर सूचना दे रहे हैं उनको भी रिवार्ड देंगे। अगर वो सामने आना के लिए तैयार है तो उनको हम सम्मानित भी करेंगे, जिला प्रशासन के द्वारा मिलकर सम्मानित भी किया जाएगा, और अगर वो अपना नाम गोपनीय रखना चाहते हैं तो हम गोपनीय रूप से उनको बुलाकर अकेले बुलाकर उनको रिवार्ड भी दे देंगे।